इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारी यात्रा कैसे, कहां कहां खड़े हैं हम, कक्षा 8 में एडमिशन लिया, 8 में है अथवा 9 पास करके 10 में पहुंचे, बोर्ड की पढ़ाई है, थोड़ा सोचना होगा ना कि हम कहां तक पहुंचे हैं। ये सत्य है, भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करती है। भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो भगवान को भक्ति प्रिय है, परंतु हम कहां किस श्रेणी के भक्त हैं ये हमको पता हो ना। आप ये भी ध्यान रखना, ये एक जन्म का प्रोग्राम है नहीं, एक जन्म का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हम जाने तो कि हम कहां खड़े हैं। वही कर ही रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारा विश्वास दृढ़ होगा। वो कब होगा? जब हम अनुभूति में लेंगे, श्रवणम कीर्तनम श्रो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम सर्वस्व अर्पण। किस श्रेणी में है? 27 साल से कथा गा रहे हो, कहां तक गए तुम, पहुंचे कहां? वही प्रोग्राम नित्य करे ले रहे, कोई गति नहीं बढ़ रही है, मति वहीं बैठी है। हम आप भगत हैं इसमें लेकिन नहीं, भगत हैं हम आप, सोचते चलो, इतने दिन से कर रहे हैं तो कहीं गति बनी है क्या? आज हम आपको दो भक्तों की सहज चर्चा सुनाते हैं। केवट जी को आपने सुना, भरत जी को सुना, अब शबरी अम्बा को सुनिए। भगवान मिल गए, शबरी अम्बा ने आसन लगाया, नित्य का व्यवहार था, खिलाया, भगवान के स्तुति मने प्रशंसा होती। जितनी आरती हम लोग करते हैं ना, आरतियों में केवल भगवान की प्रशंसा है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। सब प्रशंसा है, ये आरती नहीं है, ये तो महापुरुषों ने लोकाचार में आरती बना दी है। आरती क्या है? ये सभी आरतियां भगवान की बिरुदावली है। देखिए, जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन निराला। ये क्या है? ये शिव जी की प्रशंसा है। सभी आरतियां जो निरंतर गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, क्यों? अतो भगत जनों के संकट क्षण में दूर, आना दूर करे तो न हरे। क्या स्वामी जी ने भी क्या अद्भुत रचा है, आचार्य जी अद्भुत रचा है, किसको? अतो जो ध्यावे फल दुख बिन से मन का, क्यों? अतो सुख संपत्ति घर में आवे कष्ट मिटे, अपना भी भगवान का भी अपना भी, सब जगह हमने एकदम व्यवस्थित हो गए हैं। कभी इनको जरा थोड़ा सोचा करो कि हम जो गा रहे हैं क्या है। यही ये जो ऊर्ध्वगमन है भगत का, हम जो भगवान को सुना रहे हैं उसमें क्या है,
स्तुति माने प्रशंसा। शबरी अम्बा भगवान से ही पूछती है, देखिए क्या अनन्यता है, केहि विधि स्तुति करमो तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम तिनमोह में मति मंद अघा। भगवान मुस्कुराए, शबरी अम्बा के साथ कैसा 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 व्यवहार समाज ने, ओहो, जीवन में दो बात का सदैव स्मरण रखिएगा आप सभी लोग, कभी ये विचार नहीं करना कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके प्रभु आपके बारे में क्या सोचेंगे, केवल इसी का विचार करना। सबसे बड़ा रोग क्या, क्या कह रहे हैं लोग, विचार ही नहीं करना। लोग तो वो कहते हैं जो वो जीते हैं, और जो भगत है उसको न घर वाले अच्छा कहते हैं न बाहर वाले अच्छा कहते हैं, तो किसी के प्रमाण पत्र की अपने को आवश्यकता नहीं। लेकिन यह अवश्य जानिए, भक्त को सामान्य परिवारी जन से अधिक कर्मशील कर्मठ होना चाहिए। घर वाले यदि 6 बजे उठते हैं तो भगत को 4 बजे उठ करके भजन करके संसार के कार्य में लग जाना चाहिए। भगत को वैसा नहीं होवे सब लोग सो गए जग गए तो भगत जी 8:30 बजे उठ रहे हैं, अब नहाएंगे धोएंगे, काम पड़ा तो माला लेके बैठ गए, ऐसा भगत को कर्मठ होना, भक्त को कर्मशील होना, सामान्य व्यक्ति से एक कदम आगे चलकर संसार के व्यवहार में जब हम रमते हैं तो हमारी भक्ति पक जाती है, हम पके। और ये शबरी अम्बा कही भी नहीं स्तुति, भगवान बोले नहीं नहीं मैं करता हूं। देखिए भगवान क्या कहते, कह रघुपति सुनो भामिनी बात। आचार्य श्री इस प्रसंग में भगवान ने 3 बार मां को भामिनी कहा है, भामिनी आप देखेंगे कोश कितना सुंदर अर्थ है। रामलीला में तो शबरी अम्बा को बुढ़िया बना के दिखा देते हैं, सबरी मां बूढ़ी नहीं है, सबरी मां की जो अवस्था है वो बड़ी सौंदर्य व्यवहार की अवस्था है। जानते हैं क्यों, भगत कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। देखिए ना हमारे अध्यक्ष जी, अभी कल निवास पर कीर्तन था, अध्यक्ष जी ने 2 कीर्तन सुनाया, एक तो कौन सा था, हो अगर चल ना 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 दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, अरे मारे एकदम झकझोर के दर्द दिए। हाँ हाँ व्योम भी थे, क्या आनंद, इन्होंने भी पद सुनाया है, बड़ा आनंद हुआ। अभी आप देखिए दूसरा वो ताश वाला सुना, हाँ एकम क्या दुज्जा क्या तिज्जा क्या, और हमको तो बड़ा आनंद भैया। पहले पता होता कि अध्यक्ष जी इतना सुंदर भाव में गाते हैं तो हम तो नित्य सत्संग में संस्कृत सुन लेते, क्या आनंद आया साहब, ओ ये मस्ती। अब देखिए 80 निकट हो रहा है, मंत्री जी का देखिए, हमारे मंत्री जी क्या अवस्था है, हम आते पहले दिन बोले आ गए 60 साल के नौजवान से मिलने। ये क्या है, भगवान की भक्ति और कीर्तन में जब हम रमे रहेंगे बुढ़ापा आएगी ही नहीं, बुढ़ापा दूर खड़ा रहेगा, अरे इसके यहां जाना नहीं है भाई, क्यों, भजन का ये प्रताप है, जब आप भजन करेंगे तो बनी रहेगी, रस बरसेगा जीवन में। शबरी अम्बा को भगवान कितना सुंदर सा कुछ भी कह सकते थे, कह रघुपति शबरी सोनु बाता, भगवान ने क्या कहा, कह रघुपति सोनु बामे जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई,
पंकज से तेसरी भगति हमार चौथी भगति मन गुण कर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुबेद छठ जन्म शीर मिलति बहु करमा मिलत सच एक भी जिसक हो स्त्री वा पुरुष वो मुझे अतिशय प्रिय है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।